इस वक्त मौजूद हूँ प्रेसिडेंसी स्कूल में, जहाँ वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह इस वक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की है, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करके बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जल बचाने की एक मुहिम उनकी जारी है, उनसे हम बातचीत करेंगे, सरकारों के रोल के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में जब जगह जगह अलग अलग राज्यों में घूमे हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों से मिलकर भी बातचीत उनकी हुई है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, चलते चलते बात करेंगे सर, कि आज जब आप स्कूलों में आए हैं तो बच्चों से आपकी क्या जिज्ञासाएँ निकल के आई, बच्चों ने आपसे क्या जानना चाहा, सबसे पहले ये, उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यों के अंदर स्थिति क्या है जल को लेकर। देखिए, मैं आज प्रेसिडेंसी स्कूल में हूँ, यहाँ के बच्चे बहुत ही जिज्ञासु हैं, उन्होंने मुझसे बहुत सवाल पूछे और मैंने भी आज उनको भाषण नहीं दिया, मैंने भी उनको सवाल पूछने का वातावरण बनाया और उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे वो बड़े गंभीर हैं। आज सबसे पहले एक लड़की ने सवाल मुझसे पूछा कि जब ये दुनिया धरती बनी, प्लैनेट बना, उस वक्त भी उतना ही पानी था, आज भी उतना पानी है, तो ये पानी की क्राइसिस हम क्यों झेल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम पानी से जूझ रहे हैं। तो मैंने उन्हीं से उसका जवाब ढूंढवाने की कोशिश की और जवाब बहुत अच्छा था। जवाब में ये था कि हम लोग लालची हो गए हैं और हमारे लालच के कारण हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है और बदलने के कारण अब हमारे जीवन से पॉल्यूशन निकलता है, हमारे जीवन में एनक्रोचमेंट है पानी की संरचनाओं पर और पॉल्यूशन और शोषण है। तो जब ये लालची इंसान प्रदूषण, शोषण और एक्सप्लोइटेशन करने लगता है नेचर का, तो नेचर ची बोल जाती है और फिर नेचर बीमार हो जाती है, फिर वो पानी तो है लेकिन पीने के लायक नहीं है, प्रदूषित हो गया है, पानी तो है लेकिन लोगों के पास नहीं है, जो जिनको चाहिए पानी उनको नहीं मिला है। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने मुझसे आज ये भी पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि बच्चे बहुत अच्छे थे और इस स्कूल के, और इन्होंने बार बार मुझसे पूछा कि हम अब क्या करें। तो मैंने कहा कि देखो, जब तुम्हें बुखार चढ़ता है तो तुम क्या करते हो, सिर पे पट्टी रखते हो, पैरासीटामोल की गोली खाते हो और आराम करते हो। इसीलिए आप, धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, तो धरती का बुखार ठीक करने के लिए सबसे पहले जो बादल हमारे लिए पानी लेके आया है उस पानी को पकड़ के अपनी धरती माता के ऊपर रखें, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर आए, नमी आए और उसमें जीव जंतु पैदा होने लगें, हरियाली बढ़ जाए, तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होगा और एक अनुकूलता बनेगी और फिर ठीक से बारिश होगी, अच्छा जीवन होगा और धरती का बुखार ठीक हो जाएगा। तो इस काम को करने के लिए मैंने अपना फिर उदाहरण उनको प्रेजेंट किया, मैंने दिखाया कि मैंने पिछले 35 सालों में धरती का बुखार ठीक करके मौसम का मिजाज कैसे सुधारा। तो अच्छे सवाल बच्चों ने पूछे, बड़े उत्साह। एक बात ये जानना चाहूँगा, जैसे कि जब तत्कालीन सरकार थी भाजपा की, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने राजस्थान के अंदर जल स्वावलंबन योजना चलाई, उन्होंने कोशिश की कि जल को संरक्षित किया जाए, लेकिन राजस्थान में स्थिति बदली नहीं, बारिश आती है तो पानी जमा नहीं कर पाते हैं लोग, इसको लेकर कोई। देखो, एक बात समझ लो, वो जो जल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन योजना थी, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ पैसा उधर से जुटाता था, कुछ उधर से जुटाता था, फिर वो काम करता है। कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी इलाके के शुभ की चिंता नहीं करता, उसको एक 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 स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बना दी, उसमें पानी आए कि नहीं आए इसकी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब आप पानी का काम करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन होगा तो फेल होगा, यदि आप कम्युनिटी ड्रिवन करोगे तो कम्युनिटी अपने शुभ के लिए सोचती है और कॉन्ट्रैक्टर केवल लाभ के लिए सोचती है। इसलिए आपको ये फर्क जानना होगा कि पानी का काम करना है भारत में तो फिर कम्युनिटी के द्वारा करना होगा, तभी कम्युनिटी पानी का काम करेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा और पानीदार बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर के बलबूते पर ये देश पानीदार नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो एक तरह से लुटेरा होता है, वो लूटता है, वो पानी भी लूटता है, पैसा भी लूटता है। इसलिए मैंने यही कहा कि हमें कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें कम्युनिटी ड्रिवन डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें सब लोग मिलकर ये पानी का काम कर सकें।
सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और हर बार मन की बात करके कोई ना कोई एक मुहिम शुरू करते हैं, जैसे कि अभी हरित देश को बनाने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू करी है कि जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। पानी को लेकर भी उन्होंने बहुत बातचीत पहले की, स्मार्ट सिटीज़ की उनकी योजना है। वाटर हार्वेस्टिंग सबसे खास बात है क्योंकि पानी का, जल का संरक्षण नहीं हो पाता है, उस विषय में आपका कुछ कहना, सरकारों से कोई बातचीत है? देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस बार पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि वो गंगा का जो मंत्रालय है उसका नाम बदल के जल शक्ति मंत्रालय रख दिया। तुम एक बात बताओ, क्या नाम बदलने से पानी हो जाएगा क्या? केवल आपने मंत्रालय का नाम बदला, जो कभी गंगा मंत्रालय था, पहले तुम पहले चक्र में आए तो तुमने गंगा मंत्रालय रख दिया, अब तुम दोबारा आए तो आपने शक्ति मंत्रालय रख दिया। भाई ऐसे तो पानी नहीं बनता, इससे सबको पानी नहीं मिलता। मैंने उनको बहुत बहुत खुले मन से समझाने की, कहने की कोशिश की, पर वो किसी की सुनते नहीं है। एक ज़माना था जब भारत में सबसे पहली बार अकाल पड़ा, रामायण में आपने पढ़ा होगा, राजा जनक का ज़माना था जब अकाल पड़ा भारत में पहली बार। राजा जनक को उसके सलाहकारों ने कहा कि हे राजन, आप अपनी पत्नी के प्यार में डूब गए हैं, आप अपनी पत्नी के प्यार में डूब गए हैं और आप पत्नी के प्यार में डूब के राजमहल से बाहर नहीं निकलते, इसलिए भगवान जी जो हैं, प्रकृति जो है, नाराज है, गुस्सा है। तुम्हें यदि प्रकृति को खुश करना है तो धरती पे जाके हल चलाओ। तो राजा जनक और उसकी रानी दोनों ने हल चलाया, उनको पसीना आया, पसीने का पानी धरती पे पड़ा, तो जब मिट्टी में नमी आई तो उससे घास जमने लगी और हरियाली आ गई। ये जो प्रधानमंत्री है ये ऐसा राजा है कि ये किसी की नहीं सुनता, और तो जब किसी की सुनता ही नहीं है तो फिर यार क्या करोगे? माफ़ करना है भाई, देखो मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ, मुझे कोई उसको वो जो और उसको जो किसी ने कुछ सच्चा कह दिया तो बस उसकी आफत आ गई। मंत्रालय सर राजस्थान से ही कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हीं के पास उसका विभाग है, आपको लगता नहीं है कि राजस्थान के लिए वो कुछ करेंगे जल संरक्षण नीतियों को लेकर? देखिए ये अभी एक जितेंद्र शेखावत को गजेंद्र शेखावत जी को जल मंत्रालय दिया है, राजस्थान के हैं, उनके अंदर कुछ राजस्थान का संस्कार होगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उनसे मिला नहीं हूँ आज अभी तक, वो मुझे परसों मिलने आ रहे हैं वहाँ गांधी पीस फाउंडेशन में, मैं नहीं मिला। लेकिन यदि उनके अंदर राजस्थान का जल का संस्कार है तो उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि राजस्थान के लोग अपना पानी खुद संरक्षण करके खुद अपने को पानीदार बना के रखते थे, और राजस्थान के लोग ये जानते थे कि ये जो कुदरत ने उनको पानी दिया है ये उनके लिए अमृत है और इस अमृत को हमें बचा के रखना है। कुदरत की हिफाजत करना राजस्थान के लोगों का संस्कार था, व्यवहार था। मैं तो भाई बहुत पॉजिटिव आदमी भी हूँ, मैं तो कोई दलगत राजनीति में कभी गया नहीं आज तक और ना जाऊँगा, लेकिन जो सच्ची बात है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि वो मंत्री हैं हमारे राजस्थान के पानी के, तो उनको राजस्थान के और देश के लोगों से पानी का काम कैसे करना वो सीखने, करने और करवाने की ज़रूरत है। यदि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है तो जल शक्ति का मतलब क्या है? जल शक्ति का मतलब है कि इस देश में जो प्राइवेट कंपनियां बियोलिया इंडिया हमारे 18 शहरों के पानी की मालिक बन गई है, बन रही है, तो सबसे पहले शक्ति से उन प्राइवेट कंपनियों को रोके, उनको जो पानी का मालिक बना दिया है। बियोलिया इंडिया ईस्ट इंडिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। बियोलिया इंडिया को सब 18 शहरों के पानी का व्यापार दे दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और तुम्हें भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय श्री गजेंद्र शेखावत जी, आपको अपने मंत्रालय का नाम यदि ठीक रखना है तो पहले भारत में जल का निजीकरण रोको, और जल का निजीकरण रोको, ऐसी कंपनियों को पानी का मालिक मत बनाओ। ये पानी की कंपनियां बहुत खतरनाक हैं, जो जब ईस्ट इंडिया भारत में आई थी तो कपड़े का व्यापार करने आई थी, और ये जो बियोलिया इंडिया आई है ये पानी का व्यापार करने आई है। पानी का व्यापार ज़्यादा खतरनाक है कपड़े के व्यापार से, पानी के बिना आप जी नहीं सकते, कपड़े के बिना जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें ये समझना है
हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो भारत में पानी की कंपनियां पानी की मालिक बन रही हैं उनका पानी का व्यापार रोको और भारत को पानीदार बनाओ। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप मैग्सेसे अवार्डी भी हैं और रविश कुमार को भी हाल ही में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ऐसे में रविश कुमार एक अकेले पत्रकार देश में जिनके खिलाफ मुहिम भी चलती रही, ट्रॉल होते रहे लगातार, और जो लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए उनको अवार्ड दिया गया, कुछ बात ऐसी कि आपको लगता है मोदी सरकार के कार्यकाल में वाकई लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? देखिए, रविश कुमार जी जब पत्रकारिता में आए उस वक्त मैं यमुना नदी की ज़मीन पर जो इन्होंने कब्जा कंपनियों ने कब्जा करना शुरू किया था तब मैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। एक अकेला एकमात्र पत्रकार था रविश कुमार जो हमारे उस आंदोलन को दुनिया को लोगों को बताने के काम कर रहा था बिना डरे, जबकि जब तो दूसरी सरकार थी, अब तो दूसरी सरकार है, तो वो उसका किसी सरकारों से या दलगत राजनीति से लेना देना नहीं, उसका सच्ची बात से लेना देना है। इसलिए रविश कुमार को ये पुरस्कार मिलना, मैं समझता हूँ वो उसका सही पात्र है, और मैं अपने मैग्सेसे फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार जो चुनाव किया वो बिल्कुल ठीक चुनाव है। एक अच्छे जर्नलिस्ट को, एक अच्छे पत्रकार को, जिस पत्रकार को इस तरह के सम्मान की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये इस वक्त क्यों ज़रूरत थी मैं वो नहीं विस्तार से बोल रहा, लेकिन इस वक्त उनको बहुत ज़रूरत थी। इस सम्मान से मिलने से मेरे देश का भला हुआ है, मेरे देश में एक अच्छे पत्रकार को ये सम्मान मिला है। मैं उसके लिए सबसे पहले तो हृदय से रविश को बधाई देना चाहता हूँ और मैग्सेसे फाउंडेशन को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस बार का सिलेक्शन उनका बिल्कुल उम्दा सिलेक्शन है, बिल्कुल राइट सिलेक्शन है। मुझे बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एनपीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरी बधाई उस तक भेज देना, रविश तक। रविश तुम कहीं हो और ये सुनो तो मेरी बधाई स्वीकार लेना। मुझे फ़ोन ऑन करके बधाई देना नहीं आता, मैंने कभी किसी को फ़ोन करके बधाई नहीं दी, इसलिए रविश भाई ज़रा इस बधाई को मान लेना। ये तो हमारे साथ वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल शक्ति मंत्रालय जो हाल ही में मोदी सरकार ने चेंज किया है उस पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए, जो निजीकरण पानी का हो रहा है उसके ऊपर मोदी सरकार को रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनडीटीवी इंडिया, अजमेर।